अमृतसर पुलिस ने महज 24 घंटे किडनैपिंग के मामले नू ट्रेस कर लिया है, पर किडनैप होए 11 साल रोहित नू किडनैपर वालों रोहित का कतल करने तो बाद उसनू बोरी विच पा के नहर विच सुट दिता गया सी। मृतक रोहित की लाश पुलिस ने नहर विचों बरामद कर ली है। नाल ही किडनैपर नंदन नू भी पुलिस ने हिरासत विच लै लिया है। इस संबंधी जानकारी दे रहे हैं अमृतसर पुलिस के DIG दुग्गल साहब। ADCP डी साहब, ADCP 3, कंसर्न पुलिस ऑफिसर्स इंक्लूडिंग SHO साहब सारे ये लगे रहे। आज सुबह वो बच्चे की लाश जी रिकवर हुई। बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसीडेंट जिस विच नंदन कुमार ने जो कि तकरीबन 24-25 साल की उम्र का भी लेबर का ही काम करता, इन्हें 11 साल के बच्चे का पैसे की भुख करके कतल कर दिता। नंदन कुमार नू अरेस्ट कर लिया गया। कितने दिन की यदि रिमांड? 3 दिन की जी यदि रिमांड सानू मिली है। होर पूछगिछ भी की जाऊगी कि किसी इस तरह के गिरोह नाल तां तलक नहीं रखता या होर कदे कोई इस तरह की कार्रवाई तो नहीं की थी। बिल्कुल, ये चीज़ जिहड़ी आ वो देखने वाली है कि इन्हें किस करके, हो सकता उन्हें रौला पाया या ये गल पिया या की किया, उ किस तरह की स्कफल हुई, पैश विच आया, इन्हें किस वजह करके उन्होंने गला घुट के उत्थे मार दिता। ये अगे होर इन्वेस्टिगेशन तो यदि इंटेरोगेशन चाहूगा। फिलहाल जो ये दसन के मुताबिक इन्हें ये सारे सीक्वेंस ऑफ ईवेंट्स दसे है जिस विच इन्हें लाश की निशानदेही भी कराई। नहीं, इतने हजे फिलहाल किसी की इन्वॉल्वमेंट सामने नहीं आई। ਇਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਕਮ ਪਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਕਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਕੋਲ, ਰੰਜਨ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਰਕਮ ਪਈ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਹਥਿਆ ਸਕਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਟੀ ਦੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ एक किडनैपिंग ते कतल दा मामला नोटिस दे विच आया जिस विच एक 11 साल दा बच्चा अपने भरा नूं मिलन वास्ते ईस्ट मोहन नगर दे विच निकल दी फैक्ट्री च जो काम करदा है उहनूं मिलन जांदा है परसों शाम नूं 14 सितंबर नूं। इस बच्चे का नाम रोहित एलियस रंजन है। इहदा जिहड़ा ब्रदर है दीपक, वो निकल फैक्ट्री काम करता है ईस्ट मोहन नगर दे विच। दीपक का एक फ्रेंड है जो इन्हां दे घरे काफ़ी चिर तों आउंदा जांदा है, कहिंदा रहा कि तुहाडा बच्चा मेरे कोल है, मैनूं रकम दे के जाओ। कल सुबह 7:30 बजे सानू ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, 15 सितंबर नू मिली ये इन्फॉर्मेशन सुबह 7:30 बजे के करीब। उस तो बाद इहदे ते कार्रवाई करनी शुरू की, तो यह जिहड़ा किडनैपर है नंदन उन्हूं आइडेंटिफाई कर लिया। इस विच थाना B डिवीजन पुलिस ने, CIA की टीम ने,
कंसर्नड ए सी पीज़ ते ए डी सी पीज़ ने चंगा काम किया, उन्हें आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करके जदों उन्हें शाम नू नैब किया, उन्हें एप्रहेंड किया, तो इन्हें दसिया कि मैं उस बच्चे का कतल करता है। फिर इन्हें दसिया कि मैं उदा मूँह ते उदा गला कुटन तो बाद एक बोरी दे विच उन्हूं पा के एक रिक्शा इन्हें किया, एक बोरी लियांदी, बोरी दे विच उहदी जिहड़ी लाश है बच्चे की उन्हूं बन के पैक करके सुल्तानविंड कनाल दे विच जाके इन्हें रोड़ दिता। उत्थों तकरीबन 100-150 मीटर की दूरी पर जिहड़ी उह लाश है वह अगे नूं वग गई। इहदी निशानदेही इन्हें करवाई। कल सारी रात साड़ी टीम जिहड़ी है वह इहदे ते लगी रही। जां इहदे गल पिया जां की कीता उत्थे, किस तरह दी सफल होई, कैस विच आया, इन्हें किस वजह करके उन्हों सामने नहीं आया। सर यह जो आइडिया ये को हैगा सी, इन्हें हाले तक चलो पुछ गिछ हाले बाकी है। ये घरदियां को रंजन के घरदियां को कुछ रकम पई है जो ये हथियार सकता है। जिहड़े साडे कोले क्लू है उहदे आधार ते असीं ये कह सकते हैं कि असीं बहुत कॉन्फिडेंट हैं इन्हां नूं, पर असीं बहुत कॉन्फिडेंट हाँ कि उन्हां नूं असीं नैब कर लांगे। ठीक है। ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾੜੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਫੜ ਜਾ ਦੇ ਫਿਰ। ਆਹੋ ਲਾਇਓ ਭਾਈ ਮੰਨਦੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਗੜੀ ਆਉਂਦੇ ਟਿਕਣ ਭਾਈ ਖਲਾਰੇ ਉੱਤੇ ਖਲਾਰੋ ਵੀਰ ਜੀ ਖਲਾਰੋ। ਤਾਂ ਯਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਬੜੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਭੱਜਣਾ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਲੈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸਰਿੰਦਰ ਜੀ ਕਰ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਕਰ ਕਰਾਈਓ ਕਰਾਈਓ ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਲੈ ਜੀ ਲੈ ਜੀ।